ससी मिश्रा किचन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज हांडी चिकन बनाऊंगी। आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज मैं हांडी चिकन बनाने जा रही हूँ। ये है, आधा किलो चिकन लिया है मैंने, 250 ग्राम प्याज लिया है, ये नमक, ये लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है, ये कुछ लहसुन के टुकड़े हैं, ये मिर्च पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है। सबसे पहले मैंने चिकन में नमक डाल दिया है, हल्दी नमक डालकर इसको अच्छे से मैश करूंगी। इसमें मैंने सरसों का तेल भी डाला है। इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रखा था मैंने। अब इसमें सारे प्याज को डाल दूंगी, फिर अच्छे से इसको मैश करूंगी। इसमें प्याज और चिकन देखिए दोस्तों, मैश कर दिया है मैंने एक साथ। हांडिया चिकन बनाने के लिए एक हांडिया लिया है मैंने, इसमें तेल गरम करके नहीं डालेंगे, इसलिए मैंने पहले तड़का लगाने के लिए जीरा, हींग और तेजपत्ते को गरम कर लिया है। अब मैं इसको इसमें डालूंगी। और लहसुन अदरक का पेस्ट जो बनाकर मैंने पहले से रखा था, इसको भी इसमें मैंने डाल लिया और फिर इसको अच्छे से मैश करेंगे। कम से कम 10-15 मिनट इसको ऐसे ही मैश करते रहें, ताकि ये चिकन और प्याज मैश करते समय ही गल जाए। हाथ से ऐसे मसलना है इसको। ये बहुत ही अच्छा बनेगा। अब इसमें मैं डालूंगी मिर्च पाउडर 1 से 1.5 चम्मच, हल्दी पाउडर मैंने पहले भी डाला था, थोड़ा सा और डाल रही हूँ। ये जो लहसुन के 4-5 टुकड़े हैं ये डाल दूंगी, और साथ ही ये जो रोस्ट किए हुए मसाले थे, इसमें है 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 3 साबुत लाल मिर्च, जीरा, दालचीनी, 4 काली मिर्च, ये सारे साबुत थे। मैंने इसको रोस्ट कर लिया है, रोस्ट करके दरदरा कूट लिया है। अब इन सारे मसालों को इस चिकन में डाल दूंगी। फिर से इसको मैश कर लूंगी। या मिक्स कर लूंगी। देखिए दोस्तों, सारे मसाले चिकन में मिक्स हो गए अच्छी तरह से।
कलर भी अच्छे आ गए इसके। अब ये मेरा चिकन है, अब इसको मैं इस हांडिये में डालूंगी। ये डाल दिया मैंने सारा, थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। ये देखिए दोस्तों, अब इसको इसके ढक्कन से बंद करके यहाँ पर मैंने गूंथे हुए आटे का रोल बनाया था जो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। ये देखिए, जिससे ये चारों तरफ से बंद हो जाए, प्रेशर ना निकले। और इसमें बीच में एक मैंने होल किया है, अब इसको ऑन कर दूंगी और इस हांडिये को इस पर रखकर गैस के फ्लेम को कम कर दूंगी। रख दिया, अब दोस्तों इसके पकने में 1 घंटे लगेंगे। इसको बीच बीच में 15-15 मिनट पर इसको खोल खोल कर आप चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन चिकन के बनने के लिए 1 घंटे का टाइम लगता है। दोस्तों बीच बीच में कपड़े की सहायता से इस हांडी को इस तरह पकड़ लें और इस तरह हिलाते रहें ताकि ये जो चिकन पक रहा है ये नीचे से पकड़ ना ले। 1/2 घंटा हो गया है चिकन को पकते हुए। ये मैंने ढका था इसको ताकि जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। दोस्तों मेरे चिकन को बनते हुए 1/2 घंटे से ज़्यादा हो गया है, अब इसको हम धीरे धीरे खोलेंगे। ये देखिए, अब इसको लकड़ी के पलटे के सहारा से इसको चलाएंगे ताकि ये नीचे ना पकड़ ले। देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर आया है और खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब चिकन लगभग 1/2 पक चुका है, अब इसको 1/2 घंटे के लिए और ढककर पकाएंगे ताकि चिकन पूरी तरह से पक जाए। आइए दोस्तों देखते हैं चिकन बना है या नहीं। ये देखिए चिकन अच्छे से पक चुका है।
ये देखिए कलर कितना अच्छा दिख रहा है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब हमारा चिकन बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती, थोड़ी सी हरी मिर्च के टुकड़े ऊपर से डाल देंगे गार्निश के लिए। ये देखिए दोस्तों, चिकन अच्छे से पक चुका है। अब चूल्हे को बंद कर देंगे।